वहीं झारखंड चुनाव में गांधी विधानसभा हॉट सीट बना हुआ है। यहां कल्पना सोरेन का मुकाबला बीजेपी की मुनिया देवी से होने वाला है। मुनिया देवी गांधी विधानसभा के मुद्दों को लेकर मुखर है। उनसे बात की हमारी संवाददाता अंकिता शर्मा ने। तो गांडे विधानसभा की बात हो रही है तो कल्पना सोरेन जेएमएम की वर्तमान विधायक है और मुनिया देवी को यहां से प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है। और आगे हम बात करें तो हमारे साथ खुद T45 पर मुनिया देवी जी मौजूद है बातचीत करने के लिए, बीजेपी के प्रत्याशी है। मुनिया जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है T45। बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करती हूँ आपका चैनल का। मुनिया जी देखिए, चुनाव है, पूरा माहौल लगातार देख रहे हैं हम, जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दे भी जान रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जनता इस बार आप पर आशीर्वाद बरसाएगी? जरूर बरसाएगी। गांधी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है कि गांधी विधानसभा में कोई नहीं विकास हुआ है, विकास के मामले में एकदम जीरो जाना जाता है। तो गांधी विधानसभा का जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं सब एकदम तरह तरह कर रहा है कि गांधी विधानसभा कुछ बदलाव होना चाहिए। तो अभी मेरे साथ जब मैं घूम रही हूँ क्षेत्र में, क्षेत्र भ्रमण कर रही हूँ, तो जितने भी हमारे हैं माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं सबका मुंह में एक ही आवाज़ आ रहा है कि नहीं हो रही, गांधी विधानसभा को बदलाव करना है। क्योंकि देख रहे हैं आप, सरफराज अहमद जी विधायक तीन तीन बार रहने के बावजूद उनका कार्यकाल में 5 साल पूरा मुख्यमंत्री रहे, लेकिन गांधी विधानसभा में किसी को नज़र नहीं आया। तो क्या आप मान सम्मान दे सकते हैं? जब 2010 में हम चेयरमैन बने तो महिलाओं को इतना सशक्त कर दिए, इतना मतलब पावरफुल दिए, महिला को मान सम्मान दिए, तो पंचायती राज ने हमको मतलब प्रधानमंत्री अवार्ड मिला था। पूरे झारखंड से छोड़ के गिरिडीह जिला को अवार्ड मिला था हमको, महिलाओं के प्रति जाके हमने अच्छा काम किया है, अच्छा मतलब लोग को सशक्त करने। देखिए गांडे विधानसभा का विकास की राह जो है वो जनता भी देख रही है, लेकिन अगर हम, आपने कहा कि तीन बार सरफराज अहमद भी विधायक रहे हैं, फिर 5 महीने कल्पना सोरेन का कार्यकाल भी रहा है और एक बार फिर से उन्हें जेएमएम ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया, ऐसे में ये भी बात उठती है कि जब कल्पना सोरेन उपचुनाव में जब जीती तो उन्हें सिंपथी वोट मिला क्योंकि उनके पति यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल में थे। तो आपका इस पर क्या कुछ राय है, क्या वो सच में सिंपथी वोट था या फिर कल्पना सोरेन एकदम मजबूत दावेदार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका हस्बैंड जेल में थे, वो आई सब जगह हमारे माताएं बहनों को रोने को काम किए कि यहाँ से हम जीत कर जाएंगे तो हमारे पति जेल में है, हमको मुख्यमंत्री बनेंगे हम। तो माताएं बहनें लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग सब लोभी में आ गए हैं कि चले गांधी विधानसभा से जीत कर जाती है तो विधायक मुख्यमंत्री बनेगी तो हो सकता गांधी का कुछ विकास हो, लेकिन वैसा कुछ भी काम नहीं हुआ है। उसका पति जेल से आते हुए मानिए हमारे चंपे सोरेन जी मुख्यमंत्री बना के गए थे, उसको हटाने को काम किए, अपना पत्नी को धोखा देने को काम किए हैं, तो जनता को ठगने को काम किए हैं। जनता अब ठग चुकी है, अब जनता ठगने वाले नहीं है, अभी पिलाची में आने वाले नहीं है। मुनिया जी, अगर हम देखिए यहाँ से दो महिलाओं के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही है, एक तरफ आप हैं दूसरी तरफ आपकी प्रतिद्वंदी कल्पना सोरेन है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने कहा कि रोड नहीं है, नाली की स्थिति वैसी नहीं है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो मुनिया देवी की अगर हम बात करें तो मुनिया देवी कौन कौन से अहम मुद्दे पर इस बार काम करने जा रही है, जो कि काम जो सरकार यहाँ पे राज कर रही है उस सरकार में जो काम नहीं हुआ है, क्या मुनिया देवी वो काम करेंगी? देखिए सबसे पहले मेरा जब जीत हासिल होती है, विधायक बनते हैं तो जितना भी हम गांव गली में जो घुस रहे हैं, जो हमारे माताएं बहने के लिए जो सुविधा होना चाहिए, मैं सबसे पहले ये काम करूंगी। जो गांव में घुस रहे हैं, जो हाँ आपका PCC का जरूरत है, माताएं बहने जहां हमारा स्नान करती है, छठ करती है, तो उस जगह देखिए एकदम कादों में जाकर घुसती है, तो पहले उसका भी मैं समाधान करने को प्रयास करेंगे। अब सब्जी, आज का सब्जी हम तोड़ के कल हम नहीं बेच सकते हैं क्योंकि सब्जी खराब हो जाती है। तो इन्हों का एक ही मांग है कि प्रखंड बाय एगो कोल्ड स्टोर हो जाता तो हम लोग सब्जी बर्बाद नहीं होता। आदेश क्या आने वाला है, क्योंकि अब जनता की बारी है, 5 साल का भविष्य अब जनता ही तय करेगी। अब मुनिया देवी को जनादेश मिलेगा या नहीं, अब ये तो जनता के ऊपर है और उस समय 23 नवंबर का दिन होगा। तो फिलहाल तमाम मुद्दों को हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकिता शर्मा, T45 गांडे।